आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गायनेकोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा भाटला। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर हो रही है और देश कई हफ्तों के लॉकडाउन के बाद अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। दुकानें खुल रही हैं, बाजार में एक बार फिर चहल पहल दिखाई दे रही है, ऑफिस में एक बार फिर से लोग काम पर लौट रहे हैं, लेकिन अभी खतरा बरकरार है, इसलिए हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-239-7804 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में गायनेकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ नीरजा भाटला। डॉ नीरजा, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। शुक्रिया। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर नीरजा से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-1444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर नीरजा, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, धीरे धीरे देश में कोविड के मामले कम हो रहे हैं और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार। आप कोविड की मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखती हैं? हेलो जी डॉक्टर नीरजा। हाँ, अभी ऐसा है कि डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ा है। अब वो जो एक हाहाकार सी हो गई थी वो थम गई है जी। और केसेस काफी कम हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईसीयू एकदम खाली हो गए हैं। बस ये है कि जितने लोग वेटिंग में थे, बेड प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो स्थिति में कंट्रोल आई है। तो चाहे कम हो गए हैं, लॉकडाउन ईज हो गया है, लेकिन अभी भी कॉशन बनाए रखने की स्थिति है। अभी भी सारे कोविड प्रिकॉशंस फॉलो करने की स्थिति बरकरार है जी। और डॉक्टर नीरजा, जैसा कि हमने बात की कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी लहर में कमजोरी आई है, लेकिन जिस तरह से ये वायरस म्यूटेट हो रहा है उसे लेकर लोगों के अंदर चिंता है। हालांकि तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण को लेकर चिंता जताई जा रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? तो नो डाउट चिंता रखना बहुत सही है, लेकिन चिंता इस तरह से कि नहीं कि हम केवल एंग्जायटी में पड़ जाएं, चिंता में पड़ जाएं और उसमें हम अपने काम काज से नाकाम रहें, ऐसा नहीं है। हम ये रियलाइज करें कि इसमें हमें सेफ्टी रखनी है और सेफ्टी रखते हुए अपने कार्यों को पूरा करना है। अपने जो हमारे जरूरी कार्य हैं उन पे हम निकलें, दूरी बना के, मास्क पहन के, सैनिटाइजर साथ रख के, तो हमारी सेफ्टी के काफी चांसेस हैं। वैक्सीन जब जब और जिस जिस को प्राप्त हो सके वो लगवाए, और बच्चों में अब होगा या नहीं होगा काफी हद तक तो समय दर्शाएगा। बाकी एक बहुत अहम स्टेप जो हो गया है वो ये है कि वैक्सीन के ट्रायल्स बच्चों में भी शुरू कर दिए गए हैं। फेज 2 का ट्रायल आरंभ हो चुका है और उसके जो एज ग्रुप्स 3 बने हैं उसके जी, 12 से 18, 6 से 12 और 2 से 6। तो ये जो फेज 2 का ट्रायल जो है उसमें 12 से 18 की रिक्रूटमेंट अब कंप्लीट हो चुकी है। अब कल से 6 से 12 की चालू होगी और तत्पश्चात 2 से 6 की होगी। तो उसका लगभग हमें उम्मीद है कि 3 महीने में फेज 2 का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अब ये वैक्सीन लगेगी, फिर इनका बूस्टर लगेगा, फिर उसके बाद उनके एंटीबॉडी टेस्ट होंगे जी। और उसके बाद हमारा फेज 3 ट्रायल भी शुरू हो जाएगा
जी हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की कि जो बच्चों में वैक्सीन के जो ट्रायल हैं वो शुरू हो रहे हैं और जल्दी ही इसके अच्छे परिणाम आने की संभावना है। डॉक्टर नीरजा, आपका गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाएं या प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनको कोविड को लेकर क्या खास सावधानियां बरतनी हैं? कोविड से जो दूसरी लहर आई उसमें तो हमने देखा कि गर्भवती महिलाओं को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है पहली लहर के मुकाबले। हालांकि मैं आपको बताऊंगी कि हम अपना पहली लहर का भी डेटा जब सिस्टमैटिकली देख रहे हैं तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक स्टिलबर्थ की संख्या ज्यादा ही थी, ब्लड प्रेशर वगैरह की संख्या ज्यादा थी। लेकिन इस बार जो हमने देखा उसमें मदर्स की फिजिकल कंडीशन, उनके आईसीयू एडमिशन, उनके सीरियस लंग की प्रॉब्लम्स एंड इवन उनकी मृत्यु तक की भी नौबत आ गई थी और काफी हद तक ये बच्चे पे भी असर पड़ा इस प्रकार से कि यदि मदर एडमिट है तो आईसीयू में और उसका ऑक्सीजन लेवल हर मुमकिन कोशिश के बावजूद नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो फिर वो डॉक्टर आईसीयू वाले समझते हैं कि देखो इतना जो प्रेशर पेट पे बन रहा है प्रेगनेंसी के कारण उसे आप खत्म करिए, बेबी को डिलीवर करिए चाहे प्रीटर्म है। तो इस प्रकार से प्रीटर्म डिलीवरीज भी करने की नौबत आई मदर की जान बचाने की खातिर। एंड आपको सबको पता ही है आपके प्रोन पोजीशन का पेट के बल जो वेंटिलेशन करते हैं उसका बहुत रोल होता है कोरोना के पेशेंट के लिए, उससे उसके फेफड़ों में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचने में बहुत सहयोग होता है। तो वो भी जाहिर सी बात है कि जो बहुत एडवांस प्रेगनेंसी वाली है उसका प्रोन लेटना एक तो हो नहीं पाता है और होए भी तो बिकॉज इतना प्रेशर पेट में ऑलरेडी है तो वो इतना सक्सेसफुल भी नहीं होता। तो ये सब चलते हुए बच्चों की प्री टर्म डिलीवरीज, बच्चों के ये जो माँ का ऑक्सीजन लेवल डाउन होने से बच्चे के ऑक्सीजनेशन पे फर्क आना, ये सब बहुत काफी हमने देखा है। अबॉर्शन रेट बढ़ते हुए देखा है और कई मदर्स आई हैं वो जो दौरे पड़ते हैं प्रेगनेंसी के दौरान एक्लैम्पसिया वगैरह के साथ भी, जो कि हम बहुत ही कम देख रहे थे। और कुछ प्रभाव ये भी पड़ा है कि क्योंकि एक या ट्रैवल करना मुश्किल है, लॉकडाउन है या जो भी है, तो एंटीनेटल केयर इवन कोविड नॉन कोविड सबके असर आया है। जी, और बहुत सारी ऐसी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं जिनको डॉक्टर्स के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है प्रेगनेंसी पीरियड में, तो कोविड की वजह से वो रेगुलर जा नहीं पा रहे थे, अभी क्या स्थिति है और क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये ना क्योंकि ये हमेशा रिस्क बेनिफिट का एनालिसिस ही चलता रहता है ना हर सिचुएशन में, तो जब बहुत ज्यादा कोविड फैला हुआ है तो डेफिनेटली सोचना पड़ता है कि एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आपको महिला को कहना है या नहीं कहना है कि वो घर से निकले या ना निकले। तो वो जो दौर था जिसमें बहुत ज्यादा केस हो रहे थे तो नेचुरली हमारा ये एडवाइस रहेगा कि आप टेली कंसल्टेशन के माध्यम से ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अननेसेसरी विजिट नहीं करें। लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है और नॉर्मलाइजेशन की स्थिति आ रही है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जिस लेडी का अपने डॉक्टर से संपर्क हुए हुए महीना हो गया या वो एडवांस प्रेगनेंसी में दो हफ्ते से अधिक हो गए हैं तो कम से कम वो टेलीफोन के द्वारा जरूर उन्हें कॉन्टैक्ट करे, और ये जो रेगुलर गोलियां होती हैं अपनी आयरन कैल्शियम वाली उनको ना बंद करें, क्योंकि एनीमिया का भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहा है प्रकोप, क्योंकि वो जो नॉर्मल गोली लेनी होती है वो नहीं ले पा रही हैं। जी, और डॉक्टर नीरजा, अगर कोई गर्भवती स्त्री कोरोना पॉजिटिव है तो क्या नवजात बच्चे में जो इन्फेंट होगा उसमें भी संक्रमण की संभावना होती है? ये बहुत ही रेयर सिचुएशंस में देखा गया है। मोस्टली मदर को कोरोना है भी तो चाहे उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई चाहे उसके सिजेरियन हुआ, बेबी के अंदर कोरोना की शिकायत नहीं पाई गई। बहुत ही रेयर केसेस में, फ्यू केसेस में ये देखा गया कि बेबी में भी एंटीबॉडी थे, और अब वो फॉलो करके देखना पड़ेगा कि वो रहते हैं या वो खुद ही ये इन्फेक्शन था
या वो खुद ही क्लियर हो जाता है, ये थोड़ा फॉलोअप से पता चलेगा। उसके कारण ऐसे कोई प्रॉब्लम वैसे हुई नहीं। और मदर्स भी जिन्होंने कोविड होते हुए डिलीवरियां हुई हैं और बच्चे नेगेटिव हैं मोस्टली एनीवे, बट वो फीड कर सकती हैं बेबी को, स्तनपान करा सकती हैं। जी, यही मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो लिसनर्स हैं सोशल मीडिया पे पूछा था उन्होंने कि लैक्टेटिंग मदर्स को कोविड हो जाता है तो क्या वो अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं? बिल्कुल, वही जो सबके लिए प्रिकॉशन बताते हैं कि भई अपने हाथ साफ करें, अपना मास्क लगाएं, फिर बच्चे को लें, उसको फीड करें, और फीड करने के बाद फिर उसको 2 गज की दूरी पे रखें और अपना मास्क उतार लें। जी, और डॉक्टर नेजा, हमारी श्रोता ने पूछा है कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं वो वैक्सीन लगवा सकती हैं? तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है कुछ दिन पहले कि लैक्टेटिंग मदर्स के लिए तो दोनों वैक्सीन ओके हो गई हैं और वो लगवा सकती हैं। कईयों को चिंता होती है कि जब हमने वैक्सीन लगवाया है उस समय हमें फीड नहीं देना है, ऐसा कोई भी नहीं है। वो उसके लिए ना पहले ना बाद में फीडिंग के साथ उसका कुछ नहीं है, बल्कि यदि उसके एंटीबॉडी फीड ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जाएंगे तो वो बच्चे के लिए फायदेमंद ही होगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और यदि कोई थोड़ा बहुत फीवर आ जाता है वैक्सीन लगवाने के बाद तो वो नॉर्मल पैरासिटामोल की गोली जो लेती हैं वो ले सकती हैं, अगेन उससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लैक्टेटिंग की तो सॉल्व हो गई है, अब रह गई है बात प्रेगनेंसी में देने की। तो उसको लेके अभी नेगवैक की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा आदेश नहीं आया है, इस पे काम चल रहा है। और डॉक्टर नीरजा, ये हमारी एक श्रोता ने ईमेल से जानना चाहा है कि क्या पीरियड्स के दौरान भी वैक्सीन लगवाया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, इसका कुछ भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है इस वैक्सीन में जो किसी भी प्रकार से रिप्रोडक्टिव साइकिल को इफेक्ट करता हो। तो ना तो पीरियड से इसका कोई फर्क पड़ता है, ना इससे हमें उम्मीद है कि इनको बच्चा ठहरने में या प्रेगनेंसी होने में आगे चल के कोई प्रॉब्लम आएगी। और बाय चांस किसी ने लगवा ली हो, उसने सोच के कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं और लग गई वैक्सीन और बाद में पता चला कि ये तो प्रेगनेंसी ठहर गई हुई थी, तो उस स्थिति में भी कोई ऐसी उसमें प्रॉब्लम नहीं है वैक्सीन लगवाने में, बल्कि एंटागी की तरफ से तो पूरी स्टडी के बाद ओके ही हो गया है प्रेगनेंसी का। फिर भी क्योंकि ट्रायल्स अभी नहीं हुए हैं तो थोड़ा सा मिनिस्ट्री की ओर से कॉशस साइड पे उसको फर्दर थोड़ा देखने की हो रही है, बट ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है इसमें। जी, और डॉक्टर नीरजा, घर में जो सबका ध्यान रखती है वो खाने पीने में अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। जी हाँ, बात कर रहे हैं घर की जो हमारी गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, वो हमेशा दूसरों को खिलाने पिलाने में वो लगी रहती हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रहती। तो कैसे, अभी आपने हीमोग्लोबिन की कमी यानी एनीमिया की बात की थी, कैल्शियम की कमी भी अक्सर महिलाओं में रहती है, तो किस तरीके से वो अपने खान पान के द्वारा स्वस्थ रह सकती हैं? हाँ, ये आपने बहुत ठीक बात कही कि हमेशा से ना लेडीज में ये होता ही है कि सबको पहले दें, लेकिन गर्भवती मदर को ना थोड़ा सा सेल्फिश होना ही चाहिए, अपने बच्चे का भी ध्यान करना ही चाहिए। और ये ध्यान करना चाहिए कि यदि उसे कुछ हो गया तो उसकी फैमिली वालों को ज्यादा समस्या है उसको सुधारने के लिए। सो इसलिए प्रिवेंशन, वो एक वो अंग्रेजी में कहावत है, अनाउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर, कि थोड़ी सी सेफ्टी से हम प्रिवेंशन कर लें तो उससे बहुत ज्यादा एफर्ट बाद में ट्रीटमेंट की बच सकती है। तो इसलिए खाने में एक तो सारा हेल्दी और फ्रेश और घर का बना हुआ खाना जहां तक हो सके वही होना चाहिए। बाहर से खाना अगर हो तो उसकी जानकारी होनी चाहिए वो कहाँ से आ रहा है और वो फ्रेश है कि नहीं, और जंक फूड कतई नहीं होना चाहिए। और खाने में हम हमेशा सुझाव देते हैं कि अपनी प्लेट को देखिए कि प्लेट में सारे रंग मौजूद होने चाहिए, हरी सब्जी हो, थोड़े से जो पर्पल कलर की सब्जियां होती हैं उनमें भी बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है, थोड़ी वो भी हो, लाल रंग में टमाटर वगैरह भी हो, इस तरह से जो अपनी दालें हैं अपना पीला वो है, सारा वो रंग, सारे रंग मौजूद होने से। और जो नॉन वेज का सेवन करते हैं, अंडा वगैरह खाते हैं, उसमें बिल्कुल कोई मनाही नहीं है, दैट इज परफेक्टली सेफ ऑल्सो।
तो प्रोटीन पूरा होना चाहिए अपने खाने में, और जो आयरन रिच फूड्स हैं, साग है, चने हैं, गुड़ है, ये चीजें होनी चाहिए। अपनी शुगर का पता होना चाहिए कि हमें शुगर नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाने का रिस्क होता है। जिन महिलाओं को कोविड हो जाता है उनके शुगर्स बहुत ऊपर नीचे हो जाने का रिस्क होता है। जिनको स्टीरॉयड बाय चांस देने पड़े उनमें बहुत ज्यादा शुगर ऊपर नीचे का रिस्क होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर नीरजा, मुझे लगता है आपने लिसनर्स को जिस तरीके से कलरफुल डाइट बता के समझाया है सबकी समझ में आ गया, और महिलाएं ही क्यों, हम सभी को इसका पालन करना है और अपने खाने में अलग अलग रंगों का ध्यान रखना है। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज की कोविड 19 के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गायनेकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा भाटला। आप भी डॉक्टर नीरजा से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और इस बीच रुख करते हैं हमारे आज के पहले कॉलर का, रामपुर से अनीश रहमान जी जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। जी अनीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धानुपुरा जिला रामपुर से आपका निमित्त श्रोता अनीश रहमान बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, मैं यही जानना चाहता हूँ सर, वैक्सीन जो लगवाई जा रही है जी, और उनसे मेरा यही कहना है, क्योंकि सर 18 वर्ष की आयु से पहले वैक्सीन लगवा सकते हैं और 18 वर्ष की आयु के बाद में। जी ये जानना चाहते हैं कि कितने वर्ष के लोग एलिजिबल हैं अभी वैक्सीन लगवाने के लिए डॉक्टर नीरजा। तो अभी ऐसा है रहमान साहब के 18 वर्ष के ऊपर वालों को तो वैक्सीन चालू कर दी गई है, लेकिन उससे नीचे की उम्र वाले जो हैं उनका अभी ट्रायल बस हाल ही में शुरू हुआ है, पिछले हफ्ते ही, और अभी इसके रिजल्ट आने में और इनके लिए वैक्सीन उपलब्ध होने में अभी समय लगेगा। जी, और डॉक्टर नीरजा हमारे एक श्रोता ने ईमेल किया है और जानना चाहा है कि इस समय दो वैक्सीन अवेलेबल है हमारे देश में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो उन्हें कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहिए। दोनों ही वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव हैं, हमारे को काफी हद तक इन्फेक्शन से बचाने में, और काफी हद तक उसकी अगर हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को बहुत ही माइल्ड लेवल पे रखने में। ये देखा गया है कि वैक्सीनेटेड लोगों में बहुत कम थे कंपैरेटिवली जिनको हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ी या आईसीयू में जाने की आवश्यकता पड़ी। सो दोनों वैक्सीन्स को में से आपको जो भी आसानी से उपलब्ध हो रही है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये ध्यान रहे कि जो भी वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा है उसी वैक्सीन का सेकेंड डोज लगना है। और इस बीच रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से इंद्रभान सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। इंद्रभान जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी से, जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। गर्भवती दूध मिला रही महिलाओं को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए कोविड से बचने के लिए, राइट? कोविड से बचने के लिए, हाँ, कोविड से बचने के लिए ना, ये जो गर्भवती महिलाएं हैं या इवन जो दूध पिला रही हैं, इनका केवल अकेले बचने से काम नहीं चलता है। ये हमने बहुत बार देखा है कि महिला तो पूरी प्रिकॉशन ले रही थी, घर में थी, कहीं ना आ रही थी ना जा रही थी, लेकिन उनके घर वालों को इन्फेक्शन होने से उनको इन्फेक्शन हुई। इनफैक्ट मेजॉरिटी वही है जिनको घर वालों से हुई। तो मैं ये कहूंगी कि जिस परिवार में गर्भवती महिला है उस परिवार के हर जन को ध्यान रखना है कि क्या वो पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि वो घर में इन्फेक्शन लेके ना आए। उनको निकलते समय अपने मास्क का, अपने सैनिटाइजर का, अपने हाथों की सफाई का, और दूसरे लोगों से दूरी बनाए रखने का, और कांटेक्ट को मिनिमम से मिनिमम रखने का। जितना समय आपको किसी दूसरे के संपर्क रहना जरूरी है कोशिश करें 15 मिनट के अंदर अंदर वो काम आपका निपट जाए, जहां तक हो सके, जहां तक हो सके, और आमने सामने बैठने वाला काम जो है उसको मिनिमम रखें। घर में आते समय आप अपने ध्यान करें कि जो बाहर वाले कपड़े हैं उनको निकाल रखें, दूसरे कपड़ों में चेंज करें, साफ सफाई रखें पूरा, जिससे लेडी बची रहे।
और घर के अंदर भी इंडोर में इन्फेक्शन ज्यादा और आउटडोर में कहते हैं उतना नहीं है जितना इंडोर में है, तो इंडोर में भी आपस में ज्यादा क्राउडिंग एक कमरे में ना करें, थोड़ी डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जी, और इस बीच उत्तर प्रदेश में रामपुर से रवि रस्तोगी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। रवि जी नमस्कार। नमस्कार नवीन जी, आपको भी नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी रवि जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं। रामपुर से रवि रस्तोगी बात कर रहा हूँ सर। जी रवि जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, मेरा सवाल यह है, मैंने 2 महीने स्टेरॉइड चलाई थी बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा ओके। मुझे 1.5 साल हो गया सर छोड़े हुए स्टेरॉइड को, क्या मैं रिएक्शन ले सकते हैं क्या सर? हम क्या चलाई थी? जी मैम, इन्होंने स्टेरॉइड का सेवन किया था करीब 2 महीने, बॉडी बिल्डिंग करते हैं ये। हाँ, तो हाँ, ये हाँ, क्या 1.5 साल पहले जी, तो क्या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उसका कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। आपको अगर कोई उसकी मेडिकल इंडिकेशन के कारण तो आपने लिया नहीं, कोई आपको रिएक्शन किसी प्रकार का था नहीं, तो इसलिए आपके लिए पूरा सेफ है जी। और इस बीच मकसूद हुसैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो नमस्कार सर। जी मकसूद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ, जैसे किसी भी मनुष्य में कोविड का वायरस है जी, तो शुक्रवार से और सोमवार तक का जो लॉकडाउन हर हफ्ते हो रहा है उत्तर प्रदेश में वीकेंड, तो इसका क्या मान्यता है, क्या मतलब क्या है, क्या ये वायरस जो है हट जाएगा यहाँ से, या तो लॉकडाउन रहे या फिर समाप्त हो जाए? डॉक्टर नीरजा, ये जो सप्ताहांत लॉकडाउन लगाया जा रहा है या वीकेंड लॉकडाउन है, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कितना प्रभावी होता है, उससे क्या संक्रमण की जो चेन है वो टूटती है? एक बात ये है ना कि हमारा कोशिश है ना कि हम अपनी जान भी बचाएं और अपनी जीविका भी चालू रखें। तो अगर हम मंडे टू फ्राइडे में लॉकडाउन इसलिए नहीं है कि आपको निकलना है संयम के साथ उन चीजों में जो आपकी रोजी रोटी की चीजें हैं या आपकी बहुत जरूरी काम है उनके लिए। वीकेंड्स का लॉकडाउन इसलिए है कि जब दफ्तर बंद हैं, कामकाज की जगहें बंद हैं, तो लोगों में टेंडेंसी होती है कि वो आपस में मिलने जुलने के लिए निकलें। तो इससे ये रीइन्फोर्स होता है कि जो चीज काम जरूरी नहीं है उनको आप बंद रखें, और थोड़ा 2 दिन का समय आपको भी मिलता है कि आप अपने जो भी कोई अगर किसी के आया भी है तो खुद कुछ कुछ हद तक वो क्लियर भी होगा शायद, लेकिन मेन चीज ये है कि हमको सबको ध्यान रहे कि हमने कैजुअल मिलने मिलाने के लिए, चाहे हमारी इच्छा बहुत होती है, नॉर्मल ह्यूमन प्रवृत्ति होती है जी, लेकिन हमें कर्ब करना है और अपने घर में शांति से बैठना है जी। डॉक्टर नीरजा, और जैसा कि देखा जा रहा है कि लॉकडाउन जैसे ही खुला, जैसे ही अनलॉक हुआ, लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले, जिसमें कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत जरूरी काम से जिन्हें बाहर जाना था, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसलिए बाहर निकले कि बहुत दिनों से घर में हैं। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम कम से कम बिना जरूरत के घर से बाहर न निकलें। हाँ, और अब काफी तरह तक साधन हो गए हैं, फोन पे कितना कांटेक्ट आराम से हम कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, अपने व्यूज एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये नॉर्मल एक ह्यूमन रिएक्शन है, मैं ये समझ सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इतने दिनों तक जिस चीज के लिए हमने इतनी कुर्बानी दी है कि हम इतना रहे हैं एक दूसरे से दूर, तो थोड़े और दिन के लिए ये शांति से हम कर लें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है जी। और डॉक्टर नीरजा, अब हम रुख करते हैं हिमालय के प्रदेश हिमाचल का, जहाँ से राजू सिंह कुल्लू से जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। राजू जी नमस्कार। सर नमस्कार जी। राजू जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरा 2 प्रश्न है सर। एक प्रश्न है कि विदेशी वैक्सीन हम कब से अवेलेबल होंगी, तो सर एक मैं दूसरा है कि बड़े इम्पोर्टेंट है कि क्या सर जिनके टीका लगा है वो हम माए अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं, क्योंकि कोई कुछ नहीं पिला अखबारों में जी, बिल्कुल पड़ा था मैंने बिल्कुल। तो क्या डॉक्टर नीरजा, पहले दूसरा सवाल लेते हैं कि क्या वो माँ या महिलाएं जिनको वैक्सीन लग गई है, क्या वो बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं? जी जी बिल्कुल, स्तनपान करा सकती हैं वैक्सीन लगने से, बल्कि यदि उनके एंटीबॉडी ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा
बच्चे तक पहुंच जाएंगे तो बच्चे को फायदा ही रहेगा, तो वो स्तनपान करा सकती हैं। जिस दिन वैक्सीन लगाई है उस दिन भी करा सकती हैं। यदि कोई थोड़ा बहुत रिएक्शन होके कोई बुखार आता है तो उसकी पैरासिटामोल की गोली नॉर्मल बुखार की खा के और तब भी करा सकती हैं। जी, इनका दूसरा सवाल ये था कि हमारे पास जो दो वैक्सीन हैं इनके अलावा और कौन सी जो विदेशी वैक्सीन हैं वो अवेलेबल होने जा रही हैं? अब लेटेस्ट जो आ रही है रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वाली, वो अवेलेबल होने वाली है कुछ कुछ स्थानों पे। जी बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो वैक्सीन, जैसा कि आपने बताया कि हम कोई भी वैक्सीन जो भी अवेलेबल है हमारे पास, बहुत से लोगों को इंतजार रहता है कि हम ये वाली वैक्सीन लगवाएंगे या ये ठीक है या ठीक नहीं है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर नीरजा बता रही हैं कि हमें जो भी वैक्सीन मिलती है अवेलेबल है उसे लगवाना चाहिए। और इस बीच सुजीत पाठक जी का रुख करते हैं बिहार से और जानते हैं उनका क्या सवाल है। सुजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। सुजीत जी नमस्कार। मैम नमस्कार जी, बताइए सुजीत जी क्या जानना चाहते हैं? जानना चाह रहे हैं सर, क्या वायरस कोरोना वायरस का की कोई उम्र होता है क्या? जी डॉक्टर नीरजा, हर किसी चीज की एक उम्र होती है, तो क्या कोविड वायरस की भी कोई उम्र है? हेलो जी डॉक्टर नीरजा, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि होगी। उम्मीद इसलिए करते हैं कि कई वायरस आए हैं पास्ट में भी और आगे चल के भी आएंगे, और ये वायरसेस में ये देखी गई है उनकी प्रवृत्ति के वो बदलते बदलते आखिरकार बहुत माइल्ड होके और एक माइल्ड सा फ्लू का इन्फेक्शन उस टाइप का एक रुख उनका बन जाएगा और एक नॉर्मल सा वायरस बन के रह जाएगा वो। तो इसकी पूरी उम्मीद है हमें, जो कि बेस्ड है पुराने एक्सपीरियंसेस के ऊपर। उस समय के साथ कमजोर पड़ जाएगा। और इस बीच बलरामपुर से हमारी श्रोता रिंकी तिवारी जी का सवाल लेते हैं। रिंकी जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। रिंकी जी बताइए। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। रिंकी जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? स्वागत के लिए पहले तो सुजात जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपना क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है। जी बिल्कुल। मैं जल्दी जैसे सर, एक ब्लैक फंगस आया है, व्हाइट फंगस और येलो फंगस, जी तो सर इनका नाम अलग अलग रख दिया गया है कि ये अलग अलग कलर इनके होते हैं या पहचान के लिए इनका नाम अलग अलग रख दिया? दूसरा, क्या इनके कर्तव्य जो है यानी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनके पास नहीं होती उनको उनके पास जाते हैं तो सर क्या उनका कर्तव्य एक ही जैसे होता है या अलग अलग होता है? उनको जी डॉक्टर नीरजा, ये तीन अलग अलग किस्म के ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, तो ये क्या है ये? हाँ, ये अलग अलग फंगस के थोड़े स्पीशीज होते हैं जिनका कुछ अलग रंग होता है, जिस तरह से लोगों में भी हमारे अलग अलग कलर होते हैं या बालों के कलर होते हैं, तो इस प्रकार से तीन अलग अलग किस्म के रंगों से प्रकट हो रहे हैं। और ज्यादातर इनका ऐसा नहीं है कि कोरोना से पहले ये नहीं होते थे, कोरोना से पहले भी ऐसे केस आते ही थे अस्पतालों में, लेकिन ये कोरोना के चलते, एक तो मैंने जिक्र किया कि शुगर ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होने का रिस्क होता है और वो कोई भी इन्फेक्शन में शुगर का ज्यादा बढ़ जाना स्वाभाविक होता है, तो इसमें भी, और जब स्टीरॉयड मिलता है तो उससे भी बढ़ जाने का चांस होता है, तो ऐसे मरीजों में जिनमें शुगर है स्टीरॉयड है उसमें रिस्क ज्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे किसी पर्सन में नहीं हो सकता, उनमें भी हो सकता है, लेकिन इनमें रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए जब हम ये जानकारी हो चुकी है तो अगर कोई भी ऐसे इंसान है उनमें वॉचफुलनेस रहना, जी बिल्कुल सावधानी रखना जरूरी है। डॉक्टर नीरजा, समय कम है, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया दान जी, इट वॉज वेरी नाइस प्रोग्राम। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर नीरजा ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गायनेकोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा भाटला।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।